Hello my dear students, I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. आज हम डिस्कस करेंगे one of the very important topic that is judicial accountability. Now accountability जो है in the constitutional system in regards with not only judicial organ but in regards with all the organs that becomes very important. लेकिन इन तीनों ऑर्गन में जिसमें हम लर्न करते हैं कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इसमें जुडिशरी जो है ये अलवेज कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. बिकॉज जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस. इट इज़ नेसेसरी दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जजेस they should work in impartial manner, neutral manner, without any favoritism. And for that reason, what is the concept of judicial accountability? What constitution says in regards with the concept of judicial accountability? Why there is a need of judicial accountability? Or what challenges they are there for judicial accountability? All these questions need to be understood, studied, and for that reason we are going to understand in this video the entire concept of judicial accountability. Now when we understand the word accountability, it is nothing but accountable का मतलब है रिस्पॉन्सिबल फॉर यूअर ओन डिसीजन्स और एक्शंस एंड एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन देम व्हेन यू आर आस्क. तो अकाउंटेबल जब हम बोलते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आपको क्वेश्चन किया जाता है तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके डिसीजन्स को, द वे यू डिस्चार्ज यूअर फंक्शंस, उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करने आना चाहिए. एंड जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो ऑफकोर्स जजेस जो हैं दे आर हैविंग द फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रूल्स, रेगुलेशन, लॉज और द डिसीजंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शुड बी एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी to adjudicate upon the matters and to act as the interpreter and guardian of the constitution. तो जब हम judiciary की बात करते हैं तो accountability तो judiciary के पास होनी ही चाहिए. But at the same time, judiciary must be free and judiciary must perform their function in a independent manner. तो judicial independence भी होना चाहिए and at the same time जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल भी सिस्टम में मेंटेन होना चाहिए. और इसलिए लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी या एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, इसके साथ हम जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को भी लर्न करते हैं. लेकिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी or executive accountability. And so the very basic principle in the legal system, we understand that no authority can be absolute and unaccountable if it is from the same source. So agar same hi source se teenon organ tayar hue hain, legislature, executive and judiciary, to isme koi bhi organ jo hai wo absolute manner mein kaam nahi kar sakta, वो अनअकाउंटेबल मैनर में अपनी पावर को डिस्चार्ज नहीं कर सकता. एंड सो एवरी ऑर्गन मस्ट बी अकाउंटेबल एटलीस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज द वेरी सोर्स ऑफ देयर मेकिंग और टू द इंस्टीट्यूशन और मोर इम्पॉर्टेंटली टू द पीपल. सो आइदर कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी अकाउंटेबल है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो आपने बनाया है लीगल सिस्टम में उसको वो अकाउंटेबल हो सकता है या फिर जो पीपल्स हैं, लोग हैं,
उसको वो जुडिशरी अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड सो कोई भी ऑर्गन अनअकाउंटेबल मैनर में लीगल सिस्टम में काम नहीं कर सकता है। एंड सो व्हाई दिस बेसिक प्रिंसिपल वी रिक्वायर टू प्रोहिबिट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑर्गन इन द सिस्टम। नो सिंगल ऑर्गन कैन डोमिनेट द एंटायर सिस्टम। एंड इसके लिए वी अंडरस्टैंड दैट कि जहाँ पे जुडिशरी की बात हम करते हैं तो जुडिशरी इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। एंड एट दैट टाइम इट इज़ अ नेसेसरी दैट एज लाइक अ लेजिस्लेचर, एज लाइक अ एग्जीक्यूटिव, इवन जुडिशरी नीड्स टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर देयर फंक्शंस और डिस्चार्ज ऑफ देयर पावर्स वाइल इंटरप्रिटिंग द लॉज। एंड फॉर दैट रीजन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी द कंसेप्ट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट लेजिस्लेचर तो लॉ बनाता है और लॉ बना के एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। बट वंस अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इट कैन नॉट बी ईजिली टेकन बैक। एंड वंस द एक्शन इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इट कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड इन अ वेरी इमीजिएट मैनर। एंड फॉर दैट रीजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल जुडिशरी इज द लास्ट होप इन द सिस्टम। सो जो लोग हैं वो अल्टीमेटली जुडिशरी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो उनकी लास्ट होप होता है कि जिसमें वो जस्टिस अटेन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जुडिशरी को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो जुडिशरी की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर इसको इन अ वेरी डिटेल मैनर अंडरस्टैंड किया जाए, जहाँ तक जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी जज शुड एक्ट विदाउट फियर और फेवर और एनी अफेक्शन और इल विल, एंड ही शुड ऑलवेज अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री। नाउ दिस समटाइम लीड्स टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो एक तरफ जजेस को फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, स्पेस चाहिए सो दैट दे कैन टेक द डायनामिक डिसीजंस, सो दैट देयर विल बी जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट्स द अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जजेस मस्ट बी देयर। जहाँ तक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हम करते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेस है। इम्पार्शल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको इक्वल जस्टिस दे सकता है विदाउट फियर और फेवर। नाउ इन दिस इम्पार्शल इंडिपेंडेंट जुडिशरी देयर मस्ट बी अंडरलाइन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। नाउ इन द एंटायर सिस्टम ऑफ आर्स अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी फाउंड ओनली वन पर्टिकुलर प्रोसीजर इन विच अ जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोजिशन एंड दैट इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। नो अदर प्रोसीजर इज लेट डाउन to fix the accountability of the judges, to underline the accountability of judges. And so here we need to understand that if the judges they are performing the function of delivery of judgments, a better scrutiny needs to be injected in the system apart from only the procedure of impeachment what laid down in the constitution. Because this procedure of impeachment also we found that a very cumbersome
time consuming and sometime it may tends to get politicized. And so when we are fixing the accountability of judges, there is a need the reformation in the very procedure or the provisions of the constitution when we talks about the appointment, transfer and removal of judges. Now we understand that judicial accountability, why it is necessary, why this principle is required in the system. Because nowadays the trend of politicization of judicial organ, that becomes a very underlying phenomena. Judges, they are taking the political institutions, political positions, and that conveys, that shows that there is a derogation of the value of the institution of judges, and that is more dangerous than any other organ in the system. So jab hum judiciary ko mante hai ki guardian of the constitution hai, so that guardian of the constitution is expected to act without any influence of any political leader or political party or political institution. But unfortunately jab hum judicial function ki baat karte hain, justice delivery system ki baat karte hain, to wahan pe we have to understand that sometime we sense that ki judges, they are acting under the dictation of political parties, and for that reason judicial accountability, that becomes a very important, and that should be maintained in the system so that we can prevent the abuse, misuse or arbitrary exercise of judicial power in the system. And for that reason judicial accountability is the very important concept, important phenomena of our legal system. The next part of this concept we'll discuss in the next video. Till that time, we'll stop here with this note. Thank you very much for watching this video. Do like, share, and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you.